आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा देश भर में भी एक ही कीमत पर मिलेगा सोना, जल्द लॉन्च होने वाला है वन नेशन वन रेट, क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा BSNL के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, BSNL ने ग्राहकों को दी है खुशखबरी, नेटवर्क कवरेज को लेकर आया है बड़ा अपडेट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, तो पहली बड़ी खबर देखिए, BSNL ने ग्राहकों को दी है खुशखबरी, नेटवर्क कवरेज को लेकर BSNL की तरफ से आ गया है बड़ा अपडेट। BSNL ने जो है ग्राहकों को खुशखबरी दी है, दरअसल पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने जो है मसल से जुड़े ग्राहकों को खुशखबरी दी। दरअसल कंपनी ने ग्राहकों को 4G सेवाएं देना शुरू कर दी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। स्वदेशी तकनीकी पर आधारित ये 4G सर्विस मिलेगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को जो है IT कंपनी टाटा जो कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज द्वारा डेवलप किया गया है और महाप्रबंधक ने यह जानकारी आप दी। उन्होंने कहा कि 4G की स्वदेशी तकनीकी से नेटवर्क कवरेज की दिक्कत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टावर में BTS लगा होगा और एक कोर नेटवर्क होता है जो यहाँ पर BTS को कंट्रोल करता है। पहले लगे हुए कोर नेटवर्क को जो है स्वदेशी नेटवर्क में बदला जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर MP से जुड़ी है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब जांच से CBI को पहले लेनी होगी सरकार से अनुमति, नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य में अब CBI समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों को किसी मामले में जांच से पहले जो है राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। वही मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसियां एक्शन ले पाएंगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई से ही ये नई व्यवस्था प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसके संबंध में नोटिफिकेशन जो है 16 तारीख को जारी किया गया था। वही गृह विभाग के सचिव जो है गौरव राजपूत, उन्होंने इस बाबत में जानकारी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले का मतलब अब मध्य प्रदेश में किसी भी निजी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या फिर अन्य संस्थाओं की जाँच करने से पहले CBI को राज्य सरकार से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वही दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता यहाँ पर होती है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश से पहले भी कई राज्य हैं जहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि अब जिन राज्यों में यह नियम लागू है वहाँ विपक्ष की सरकार, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल है। विपक्ष दल लगातार है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के कामकाज को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों का डर का इस्तेमाल कर रही है। वही लोकसभा चुनाव के समय भी विपक्ष ने खुदा यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा मुद्दा स्कोर पर बनाया था। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। बाद खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए खुशखबरी देखिए, अब पीरियड्स में सफर करने पर नहीं होगी परेशानी, ट्रेनों में दिया जाएगा सैनिटरी पैड। अक्सर पीरियड के समय महिलाओं को जो है ट्रेन के सफर करने में जो है असुविधा का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर तब जब अचानक उन्हें यहाँ पर पीरियड आने की संकेत यहाँ पर मिले। वैसे बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेल जोन ने जो है आने वाले यहाँ पर भोपाल मंडल में एक पहल शुरू की होने जा रही है। ट्रेन में यात्री कर रही महिलाओं के लिए अब सैनिटरी पैड की सुविधा जो है दी जाएगी। वह सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने बताया कि कोच के अंदर ही एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेन के कोच के अंदर ही जो सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। वह इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेवांचल जैसी प्रीमियम ट्रेनों से जो है की जाएगी। अगस्त के अंत तक सभी औपचारिक पूर्ण कर उपचिताएं जो है वो पूर्ण कर इसकी मशीन जो है लगाई जाएगी। वही पेड निःशुल्क नहीं होगा बल्कि बाजार मूल्य पर ही दिया जाएगा। वह महिलाएं मशीन में पैसे डालकर जो है पेड प्राप्त कर सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो बड़ी खबर देखिए, देश भर में भी एक ही होगा गोल्ड का रेट, जल्द होगा ये बड़ा बदलाव। देश के अलग अलग शहरों में सोने चांदी के रेट पर हर यहाँ पर राज्य के अंदर कई प्रकार के टैक्स के अलावा कई तरह की चीज़ें यहाँ पर जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से सोना चांदी कीमत भी हर राज्य में अलग अलग होती है। हालांकि इसको लेकर देश भर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल पूरे देश के अंदर वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू हो रही है। वह इसके लागू होने के बाद पूरे देश में सोना एक ही रेट में होगा, यानी पूरे देश में एक ही तरह का सोने का रेट होगा। वही भारत के ज्यादातर प्रमुख ज्वेलर्स के बीच जो है वन नेशन वन रेट पॉलिसी को लेकर सहमति बन गई है। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल द्वारा समर्थित इस पहल का मकसद पूरे देश में सोने की कीमत को मानकीकृत करना है।
वह जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने जो है पूरे देश में सोने की दर लागू करने पर सर्वसम्मति से जो है यहाँ पर प्रमुख ज्वेलर्स से यहाँ पर राय ली है। हालांकि सितंबर के अंदर एक बैठक होगी, बैठक के दौरान इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। वही वन नेशन वन रेट पॉलिसी ग्राहकों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद मानी जा सकती है। सोने का एक ही रेट ये तय करेगा सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार हो और जगह की परवाह किए बिना ही एक ही रेट पर कहीं से भी जो है सोना खरीद पाएंगे। अगर पूरे देश में एक ही रेट पर अगर सोना यहाँ पर मिलता है तो बाजार और ज़्यादातर यहाँ पर बाजार जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में सोने की कीमत एक होने से गोल्ड की कीमतों में कमी आ सकती है। ऐसा होने से ज्वेलर्स के बीच जो है उचित प्रतिस्पर्धा का माहौल जो है बनेगा। साथ ही अभी जो ज्वेलर्स सोना बेचने पर कई बार मनमानी कीमतें वसूलते हैं उस पर भी लगाम लगेगी। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए एयरटेल के 5G यूजर्स के लिए। बड़ी खबर देखिए, एयरटेल ने 5G यूजर्स के लिए लॉन्च किए हैं 3 नए प्लान। भारत की मुख्य रूप से 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है भारत में गिने जाते हैं, जिसमें एयरटेल और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया 3 है, जिसमें यहाँ पर एयरटेल भी शामिल किया गया। हालांकि जो है तीनों जो टेलीकॉम कंपनियां थी तो प्राइवेट कंपनियां थी, उसने अपने प्रीपेड पोस्टपेड प्लान कीमतों में बदलाव किया है। एयरटेल ने भी एंट्री लेवल वाले प्लान 70 पैसे की बढ़ोतरी की थी, जिससे लोग प्रभावित हुए हैं। मगर अब कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए एयरटेल ने 3 नए डेटा बूस्ट प्लान पेश किए हैं। वन प्लान की कीमत 51,101 और 151 से है। ये पैक मौजूदा प्लान पर अनलिमिटेड डेटा अनलॉक करने की किफायती तरीके देते हैं। दरअसल इन प्लान के साथ 1 GB या 1.5 GB डेली डेटा देने वाले प्लान पर यूजर्स को बस कुछ रुपए में अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा मिल पाएगा, चाहे आपका बेस प्लान कोई भी हो। 51 रुपये, 101 रुपये या फिर 151 रुपये में बूस्टर पैक एक्टिवेट करने पर आपको अपने मौजूदा प्लान में डेटा शामिल के साथ साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। तो एयरटेल ने जो है ये नए प्लान लॉन्च किए हैं, इन बूस्टर प्लान्स के साथ आपको एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा, जहां पर 51 रुपये में 3 GB, 101 रुपये में 6 GB और 151 रुपये में 9 GB डेटा मिलता है। ये एक्स्ट्रा डेटा आपके बेसिक प्लान की डेटा लिमिट तक पहुंचने के बाद एक्टिव हो जाएगा। वही भले ही बेस प्लान की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो, लेकिन एयरटेल ने जो है भारत में मतलब 5G एक्सेस के लिए कुछ सबसे किफायती पॉइंट जो है वो देता है। वही कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एयरटेल का सबसे सस्ता 5G प्लान 249 रुपये से शुरू होता है, जबकि पोस्टपेड प्लान जो है पोस्टपेड यूजर्स के लिए 449 रुपये में 5G एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। वही एयरटेल के नए बूस्टर पैक में बजट के अनुकूल कीमतों पर 5G की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। वही यूजर्स को मौजूदा प्लान पर लिमिटेड डेटा अनलॉक करने की अनुमति देकर ये पैक 5G के एक्सेस को बहुत आसान यहाँ पर बनाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक एक बार जरूर कर दे, वीडियो को चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को भी तुरंत आप दबा दें, ताकि खबरें जो है वो रोजाना आपको मिले, रोजाना जो बिना रुके आप खबरें देख सकें।